हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवलर्स जीत में, और मैं हूँ आपका होस्ट जितेंद्र कुमार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मेरे पीछे धनबाद रेलवे स्टेशन का नज़ारा है, और मैं जा रहा हूँ एक नए टूर पर, एक नए ब्लॉग बनाने के लिए इंडिया के बहुत ही मशहूर शहर आगरा, जहाँ मैं ताजमहल का वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, मेरी ट्रेन धनबाद रेलवे स्टेशन से है, जो कि कालका मेल कहलाती है, और वो आएगी लगभग रात के 1:40, और अभी बज रहे हैं रात के 11:30। मुझे लगभग 2-2.5 घंटे अभी और इंतज़ार करना है, तो सोचा इतने देर में एक ब्लॉग बना दूं आपके लिए धनबाद रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है ईस्टर्न जोन का। यहाँ पर यह डिस्प्ले की सुविधा दी गई है, जो कि पहले सिर्फ एयरपोर्ट पर दी जाती थी, अभी रेलवे स्टेशन में भी दी जा रही है। रेलवे आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ, सबके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी आपको। ये धनबाद रेलवे स्टेशन का बाहरी क्षेत्र, ये रात का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है रेलवे स्टेशन। बैठा चलिए बढ़िया। ये रेलवे स्टेशन के बाहर का क्षेत्र, यहाँ पे कार पार्किंग, यहाँ से धनबाद के किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए ऑटो और टैक्सी आपको यहाँ से मिल जाएगी, और ये रातों भर चालू रहता है। वो सामने आप देख रहे होंगे मार्केट, वो रात भर खुला मिलेगा आपको, कभी भी बंद नहीं होता। और ये सारा बाहर का नज़ारा, आगे ऑटो स्टैंड है। और यहाँ से रेलवे स्टेशन का भव्य नज़ारा, बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है ये। तो दोस्तों, अब मैं जाऊँगा स्टेशन के अंदर, क्योंकि अभी मुझे बहुत देर तक इंतज़ार करना है। मैं देखता हूँ वेटिंग हॉल में, वहाँ पे बैठने के लिए जगह मिलता है तो बैठता हूँ, और आने जाने वाली गाड़ियों के बारे में बताऊँगा आपको, और मेरी गाड़ी कब आएगी, कैसे आएगी, कैसे कैसे जाऊँगा मैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। ये एंट्रांस रेलवे स्टेशन का, स्कैनर खराब पड़ा हुआ है, सेफ्टी थोड़ी लूज है। ये रेलवे स्टेशन के अंदर का नज़ारा, यहाँ से हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा सकते हैं, जहाँ पे वेटिंग हॉल है। चलिए नीचे चल के देखते हैं वेटिंग हॉल की क्या सिचुएशन है, बैठने के लिए जगह देखता हूँ, अभी 2 घंटे और बिताने हैं। एक गेट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से भी आप बाहर जा सकते हैं, अंदर आ सकते हैं। सेकेंड क्लास वेटिंग रूम, वहीं पे देखता हूँ। ये है नॉर्मल वेटिंग हॉल, और ये वेटिंग हॉल का नज़ारा।
तो मैं अब आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म के अंदर और यहाँ से बैठ के अभी ट्रेन का इंतज़ार करूँगा जो लगभग 2 घंटे के बाद आएगी। रात का सफ़र काफ़ी मुश्किलों भरा होता है, नींद तो लगभग बर्बाद हो जाती है आपकी। एक्चुअली मेरा क्या है कि डायरेक्ट आगरा का ट्रेन नहीं मिला, तो इसके लिए मैं कानपुर जाऊंगा, कानपुर से मैं शामपुर फिर से आगरा के लिए ट्रेन लूँगा। तो थोड़ा हेक्टिक जर्नी है, थोड़ा टाइडी है, पर करना है, क्या करें। तो हमारे ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हो चुका है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है, पहले 2 पे आने वाली थी। तो फिर ट्रेन आती है तो आगे का दिखाता हूँ सीन आपको। प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन। और मेरी ट्रेन अब आ चुकी है, ये हावड़ा कालका मेल जिससे मैं दिल्ली जाऊंगा। आज चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, आगे का वीडियो मैं फिर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन कानपुर में बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।